नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती स्टडी सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के कक्षा में हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। प्रत्यय प्रकरण, इसमें कौन प्रत्यय कौन कौन से हैं, प्रत्यय क्या होता है। आज की कक्षा में हम प्रत्यय के बारे में जानकारी करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाला शब्दांश को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, यानी कि धातु और शब्द दोनों में से कोई भी आ जाए, यानी कि धातु के पश्चात भी शब्दांशों को जोड़ेंगे तो भी हम प्रत्यय कहेंगे, और शब्द के पश्चात भी शब्दांशों को जोड़ेंगे तो भी हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं, यानी किसी कोई भी धातु हो या शब्द हो उसके पश्चात में हम शब्दांशों को जोड़े, शब्दांश जो जुड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों। पहला देखिए, धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कौन सा प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कौन सा प्रत्यय कहते हैं, कृत। जो प्रत्यय धातुओं में जुड़ जाए उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न है, और कृत प्रत्यय जो है वो किससे भिन्न है, तिंग प्रत्ययों से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमें समझ में आ गया प्रत्यय क्या होता है, यानी कि धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं, और धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा शब्दों में जो शब्द जुड़ते हैं, संज्ञा शब्दों में जो शब्दांश जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यहां पर संज्ञा शब्दों को जोड़ दिया जाए, संज्ञा शब्दों में प्रत्ययों को जोड़ दिया जाए, वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। पहले में क्या कह रहा था कि धातुओं में प्रत्यय को जोड़ने पर कृत प्रत्यय, दूसरे में क्या कह रहा है, संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहेंगे हम, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दो प्रत्यय हो गए। तीसरा प्रत्यय कौन सा है, स्त्री प्रत्यय, यानी कि पुलिंग, पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यानी कि पुलिंग, पुलिंग शब्द से उसको क्या करेंगे, स्त्रीलिंग बनाएंगे, और स्त्रीलिंग बनाने में जो प्रयुक्त होने वाले, स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय जो काम में लेते हैं, जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रत्यय की परिभाषा को जाना, उसके कौन कौन से मतलब कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तीनों भागों को भी बता दिया है कि जो धातुओं से होते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो संज्ञा में जुड़ने वाले प्रत्ययों से होते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और पुलिंग और स्त्रीलिंग, पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय होते हैं उन्हें स्त्री स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे प्रत्यय की परिभाषा को जानी। अब इनके पहला कौन सा है इसके बारे में जानते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या कह रहा है कि जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर, यानी कि कृत प्रत्यय बताया था कि धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, तो जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर, ठीक है दोस्तों, जिन प्रत्ययों को किसमें जोड़कर, जिन धातुओं में जोड़कर, ठीक है ना। देखिए,
धातुओं में जोड़कर संज्ञा विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि धातुओं में जोड़ करके संज्ञा विशेषण और अव्यय आदि जो पद बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने मतलब वहां देखा कि धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, या जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा विशेषण या अव्यय आदि बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं या कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखिए अव्यय। पहला देखिए इसमें पहला क्या है, अव्यय बनाने के लिए धातुओं में इत्वा इत्वा ल्यप तुमन प्रत्ययों के योग किया जाता है। यानी कि अव्यय बनाने के लिए इत्वा ल्यप और तुमन प्रत्ययों का क्या करते हैं, हम योग कर देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि धातुओं में इत्वा ल्यप और तुमन प्रत्ययों का लोप कर देते हैं, यानी कि योग कर देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि धातु से विशेषण बनाने के लिए, यानी कि यहां अव्यय बनाने के लिए तो धातुओं में क्या करते हैं, हम तीनों इत्वा ल्यप और तुमन प्रत्ययों का योग कर देते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है, धातु से विशेषण बनाने के लिए श्रत सानच और तब्यत अन्य यत आदि प्रत्ययों को आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। यहां पर तीन का हो रहा है, इत्वा ल्यप और तुमन, और दूसरे में क्या कह रहा है कि धातुओं से विशेषण बनाया तो कौन कौन से प्रत्ययों का योग होगा, सत सानच अन्य तब्यत अन्य यत। ठीक है, यहां पर इन सभी का आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या कह रहा है कि भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए इत्व इत्वतु एव करना चाहिए। यानी कि भूतकाल की क्रिया के लिए कौन कौन सा करना चाहिए, इत्व इत्वतु। ठीक है ना, इसके बाद देखिए क्रिया के वाचक, क्रिया के वाचक, क्रिया के वाचक तब्यत, यानी कि क्रिया के जो वाचक हैं तब्यत अनियत और यत प्रत्ययों को कहा क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, भूतकालिक क्रिया के लिए इत इत्वतु। ठीक है, क्रिया के वाचक, क्रिया के वाचक कौन कौन है, तब्यत अनियत और यत प्रयोगों का प्रत्ययों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद हम देखते हैं कि धातु से संज्ञा बनाने के लिए कौन सा करना है, धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच इत्तिन नुवुण ल्युट आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि आप इन यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया कि यहाँ पर संज्ञा विशेषण अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। अव्यय बनाने के लिए धातुओं में इत्वा लिप तुमुन प्रत्ययों का क्या होता है, योग कर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दूसरा क्या कह रहा है, धातु से विशेषण बनाने के लिए सत्र सानच तब्यत अन्य व्यत आदि का क्या किया जाता है, योग किया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए भूतकालिक क्रिया के प्रयोग में, भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए मतलब हम क्या करेंगे, इत इत्वतु एव करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद देखिए कि क्रिया के वाचक तद्यत अनियर और यत प्रयोगों का प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, धातु से संज्ञा बनाने में कौन कौन से है, त्रिच इत्तिन नवुर ल्युट आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर कतिपय प्रमुख कृत प्रत्ययों का परिचय यहाँ दिया गया है, यानी कि यहाँ पर कुछ कृत प्रत्ययों का क्या दिया गया है, परिचय दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब कौन सा है, अब हमारा है इक्त्वा प्रत्यय। इक्त्वा प्रत्यय में क्या है,
देखिए इक्ता प्रत्यय में क्या है कि वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में इक्त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है, यानी कि मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में, यानी कि मुख्य क्रिया से जो कार्य पहले किया जाता है उसमें पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में क्या किया जाता है, धातु में इक्त्वा प्रत्यय का योग कर दिया जाता है, यानी कि जो धातु होती है उसमें इक्त्वा प्रत्यय को जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले वाली जो मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में इक्त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। ठीक है, इसके आगे देखिए उदाहरण यथा, यथा में क्या है, मयूर मेघ दृष्टवा नृत्यति। तो यहां देखिए दोस्तों, यहां कौन सी धातु आ गई, यहां पर दृष्टवा धातु, दृष्टवा में कौन सी धातु है, इस दृष्टवा में ये हमारी कौन सी धातु है, दृष्ट धातु है। इक्त्वा प्रत्यय का योग किया गया, इसमें कौन से प्रत्यय का योग किया गया है, इक्त्वा, तो क्या बन गया दोस्तों, दृष्टवा। ठीक है ना, दृष्ट धन इक्त्वा, तो क्या बन गया, दृष्टवा। ठीक है ना, जैसे देखिए, और यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है, और यह क्रिया कौन सी क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है, नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब अपन उदाहरणों की ओर चलते हैं। जैसे कौन सी धातु हमारी, कृधातु, कृधातु में कौन सा प्रत्यय का योग करेंगे, इक्त्वा प्रत्यय का योग करके क्या बन गया, कृत्वा बन गया। तो कृत्वा का मतलब होता है करके, कृत्वा का मतलब क्या होता है, करके। ठीक है, यहां पर देखिए इसने पद भी बनाए, कार्य कृत्वा ग्रहम गच्छ, इनकी कार्य करके घर के लिए चला गया। ठीक है ना, देखिए गम दूसरी धातु कौन सी अपनी, गम, प्रत्यय कौन सा है, इक्त्वा प्रत्यय, तो इसका क्या बन गया दोस्तों, गम और इक्त्वा को मिलाएंगे तो गत्वा बन जाएगा। ठीक है ना, यहां कृत और इक्त्वा को मिलाया तो कौन सा बन गया, कृत्वा बन गया। तो गत्वा का मतलब क्या होता है, जाना या जाकर, जाकर। ठीक है, आपण गत्वा फलम आनय, ठीक है ना, इसका क्या बनेगा, आपण गत्वा फलम आनय। ठीक है ना, इसके बाद में कौन सी धातु है, नम धातु, नम धातु में कौन सा प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, इक्त्वा प्रत्यय, तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, नत्वा, नत्वा बन गया। तो नत्वा का मतलब क्या होता है, नमन करके, नत्वा का मतलब क्या होता है, नमन करके। तो सरस्वती देवी नत्वा पाठम पठम, यानी कि मैं सरस्वती देवी को नमन करके पाठ को पढ़ता हूं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए कौन सी धातु है, पा, पा धातु में योग के मतलब अपना जो जो परिभाषा है वो क्या कह रही है, प्रत्यय की जो परिभाषा है, जो नियम है वो क्या कह रहा है, कि इसमें धातु में क्या करने हैं, एकता प्रत्यय का योग करना है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, धातु को इक्त्वा प्रत्यय से योग कर रहे हैं, तो पा धातु प्लस इक्त्वा प्रत्यय, तो क्या बन गया, पीत्वा, और पीत्वा का मतलब क्या होता है, पीकर। ठीक है, दुग्धम पीत्वा सहनम करूं, दूध पीकर सहन करता हूं, या दूध पीकर सहन करूं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए अपन क्या है, श्रू प्लस इक्त्वा, तो इसका क्या बन गया, श्रुत्वा, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर। ठीक है ना, श्रुत्वा का मतलब क्या होता है दोस्तों, सुनकर, सुनकर मतलब वार्ता श्रुत्वा आगोत्वस्मि, यानी कि मैं वार्ता को सुनकर के आ गया। ठीक है, यानी कि हम यहां पर इक्त्वा प्रत्यय में श्रू धातु को जोड़ेंगे तो इसका क्या बन गया दोस्तों, श्रुत्वा बन जाएगा। ठीक है, और श्रुत्वा का अर्थ क्या होता है, सुनकर होता है,
किसका पद देख लिए, वार्ता श्रुत्वा आगो तस्मिन, मैं वार्ता सुन करके आ गया। दृश्य, दृश्य धातु, ठीक है, दृश्य में एक तो प्रत्यय बन गया, ठीक है। तो वो पहले जो था अपन ने अभी इससे पहले एक उदाहरण देखा था कि मयूर मेघ मेघम दृष्ट्वा नित्यति, यानी कि मोर बादलों को देख करके और क्या करता है, नाचने लग जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा दृष्ट धातु और इत्वा प्रत्यय तो दृष्ट्वा बन गया, ठीक है ना। दृष्ट्वा में क्या होता है, देखकर, देखकर वहीर दृष्ट्वा आगच्छामि, ठीक है ना। इसमें देखिए हन धातु, हन धातु में कौन सा प्रत्यय, इत्वा प्रत्यय, तो इत्वा प्रत्यय ये क्या बन गया, हत्वा, ठीक है ना, यानी कि हत्वा यानी कि मारकर, मारकर। तो राम रावणम हत्वा सीता प्राप्तनोति, राम ने रावण को मार करके सीता को प्राप्त कर लिया या सीता को लेकर के आ गए, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रक्ष धातु, अब कौन सी धातु है, प्रक्ष धातु, प्रक्ष धातु में क्या है, इत्वा प्रत्यय तो क्या बन गया, पृष्ठवा, क्या बन गया दोस्तों ये, पृष्ठवा, ठीक है। पृष्ठवा में क्या होता है, पृष्ठवा का मतलब क्या होता है, पूछकर, पृष्ठवा का मतलब क्या होता है, पूछकर, ठीक है। तो गुरुं पृष्ठवा आगच्छामि, गुरु को पूछ करके आता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे देखिए तेज धातु, तेज धातु प्लस कौन सा प्रत्यय, इत्वा प्रत्यय, तो ये क्या हो गया, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा, ठीक है। तो त्यक्त्वा का मतलब क्या होता है, त्याग कर, त्याग कर, ठीक है। तो त्याग कर क्या है, सीताम बने त्यक्त्वा लक्ष्मण आगतः, यानी कि सीता को वन में त्याग करके लक्ष्मण आ गए, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहां पर हम जो है इत्वा प्रत्यय में क्या कर रहे हैं कि मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्व कालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में इत्वा प्रत्यय का योग कर रहे हैं, ठीक है। पूर्व कालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करें, धातु में इत्वा का योग कर रहे हैं। तो कृत प्रसिक्त्वा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब हमने इत्वा प्रत्यय कृ धातु और इत्वा प्रत्यय किया, यानी कि यहां पर हमने धातुओं को और इत्वा प्रत्यय का क्या कर दिया, योग कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा पद बन गया, ठीक है। कृत्वा गत्वा नत्वा है, श्रुत्वा पीत्वा दृष्ट्वा हत्वा पृष्ट्वा और त्यक्त्वा, ठीक है ना दोस्तों। यहां पर हमने देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं देखिए ये कौन सी है, इसके बाद हमारा क्या है कि स्पृश प्लस कृत्वा, यह कौन सी धातु, स्पृश धातु है, तो इसका क्या बन जाएगा, स्पृष्ट्वा, इस पृष्ठवा, ठीक है दोस्तों। देखिए इस पृष्ठवा, तो इस पृष्ठवा का मतलब क्या होता है, छूकर, ठीक है, यानी कि मम मित्रम मा इस पृष्ठवा गतः, यानी कि मेरा मित्र जो है वो माँ के पैरों को, इस पर माँ को छूकर, पैरों को छूकर गया, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए ज्ञा धातु और इत्वा प्रत्यय, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, ज्ञात्वा बन जाएगा इसका, ज्ञात्वा यानी कि जानकर, ठीक है। परीक्षाया परीक्षा फलम ज्ञात्वा सह अस्ति अति प्रसन्न अस्ति, परीक्षा फलम ज्ञात्वा सह अति प्रसन्न अस्ति, यानी कि परीक्षा फल को जान करके वह क्या होता है, अति प्रसन्न होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कौन सी धातु आ गई अपनी, पठ धातु, पठ धातु में क्या करेंगे, इत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठित्वा, ठीक है, ये पठित्वा बन गया। पठित्वा का अर्थ होता है पढ़कर, पढ़कर, अहम पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्त स्यामी, यानी कि मैं पुस्तक को पढ़ करके और ज्ञान को क्या करता हूं, प्राप्त करता हूं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहां पर हमने इसके बीच में पठित्वा को लगा दिया,
वाक्य हमारा क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अहम पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्यति, तो मैं पुस्तक को पढ़ करके और ज्ञान प्राप्त करता हूं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए पथ, पथ धातु इक्त्वा प्रत्यय, तो इसका क्या बनेगा, पतित्वा, पतित्वा यानी होता है गिरकर, ठीक है, पतित का मतलब होता है गिरकर। अश्व पतित्वा उठत, घोड़ा गिर करके भी उठते नहीं, उठ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अश्व के बाद में क्या आ गया, पतित्वा को हमने रख लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कौन सी धातु हमारी, पुज धातु, पुज धातु में कौन सा प्रत्यय है, इक्त्वा प्रत्यय, तो इसको क्या बन गया, पूजत्वा, पूजत्वा यानी कि पूज प्लस पूज और एकत्वा का योग करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पूजत्वा बन जाएगा। तो पूज कर, पूजत्वा का मतलब क्या होता है, पूज कर, ठीक है। तो देवी देवीं पूजत्वा मिलापकम गमिष्यामि, यानी कि देवी की पूज, देवी को पूज कर मिलाने के लिए गया, मिलने के लिए गया। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में इत्वा प्रत्यय, इत्वा प्रत्ययांत शब्दों में, इत्वा प्रत्ययांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि कौन से प्रत्यय को, इत्वा प्रत्ययांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहां पर क्या करेंगे कि इत्वा जो प्रत्यांत शब्दों का भी क्या होता है, इत्वा प्रत्यांत शब्दों का भी क्या होता है, अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि इत्वा प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं, अव्यय अव्यय होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि इसका जो है वो अव्यय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं। ठीक है, इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, इसके रूप में क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय के रूप में क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने क्या किया है कि इत्वा प्रत्यय को मतलब धातु प्लस इक्त्वा प्रत्यय कर करके इन सभी हमने वाक्यों को बनाया है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे क्या कह रहा है कि इक्त्वा प्रत्यय शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि यह क्या है, अव्यय होते हैं और इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये अब इसके आगे हम चलते हैं, देखिए इसके बाद में हमारा कौन सा प्रत्यय, लिप प्रत्यय, लिप प्रत्यय क्या कहता है, देखिए लिप प्रत्यय क्या कहता है, पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लिप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। ठीक है, वहां क्या हो रहा था, इत्वा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा था, यहां कौन से का हो रहा है, लिप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, जहां पर धातु, जहां पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है, और इसमें क्या होता है, धातु से पहले कोई क्या होता है, उपसर्ग लगा होता है, पूर्व में कोई उपसर्ग लगा होता है, वह कौन, वहां इत्वा के स्थान पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इत्वा के स्थान पर लिप प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि इत्वा में क्या हो रहा था कि धातु प्लस इत्वा, यानी कि उनका योग कर रहे थे, यहां पर क्या होगा कि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो तो वहां इत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम इत्वा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, लेप प्रत्यय प्रत्ययांत शब्द भी अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इत्वा भी अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और लेप प्रत्ययांत भी क्या किए जाते हैं, अव्यय के रूप में प्रयोग, अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि इत्वा प्रत्ययांत भी अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और लेप प्रत्ययांत भी क्या है, अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनके रूप में भी, इनके रूप में भी क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, और इत्वा में भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था,
ठीक है ना दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जो गेप प्रत्यय है इसको इसमें क्या है कि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो तो वहां इक्का के स्थान पर हमें क्या करना है, लिप लिप प्रत्यय करना है। ठीक है, ये अव्यय होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब अपन इसके उदाहरणों की ओर चलते हैं, लिप कैसे बना देखिए। जैसे प्र उपसर्ग नम धातु प्लस लेप प्रत्यय, यानी कि यहां पर क्या हो गया कि धातु से पूर्व क्या है, उपसर्ग है। धातु से पूर्व क्या है दोस्तों, उपसर्ग है ना। तो इसमें क्या बन गया हमारा, प्रणम्य, प्रणम्य बन जाता है। तो प्रणम्य का अर्थ होता है प्रणाम करके। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे जो इत्वा प्रत्यय में हमने क्या किया था कि धातु और प्रत्यय को इत्वा को क्या कर दिया था, योग कर दिया था। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि यहां पर उपसर्ग प्लस धातु प्लस लेप का योग कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, प्रणम्य। तो इसका मतलब हो गया प्रणाम करके, गुरुं प्रणम्य स पठति, गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है। ठीक है ना, यानी गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, तो यहां पर देखिए इस बात की में यहां पर बीच में हमने कर दिया प्रत्यय को। उसके दूसरा देखिए, बी उपसर्ग ज्ञा धातु प्लस लेप प्रत्यय, तो क्या इसका क्या बन गया, विज्ञाय। क्या बन गया दोस्तों, विज्ञाय। ठीक है, तो विज्ञाय का मतलब क्या होता है, जानकर। और ज्ञानत्व का मतलब क्या होता है, उसका भी क्या होता है, जानकर। ठीक है ना, तो इसमें हमने तीन चीजों को क्या किया, योग किया है, तो इसका क्या बन गया दोस्तों, विज्ञाय। ठीक है, विज्ञाय में क्या करेंगे, जानकर। वार्ता विज्ञाय तुम आगच्छत, यानी कि मैं वार्ता जान करके तुम आ गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, आ उपसर्ग प्लस गम धातु प्लस लेप प्रत्यय, यानी कि आ प्लस गम प्लस लेप, हम इन तीनों का योग करेंगे तो इसका क्या बनेगा, आगत्य। ठीक है, आगत्य का मतलब होता है आकर। ग्रहात आगत्य सह पाटली पुत्रम गतवान। ठीक है ना, इसमें देखिए, आ धन दा प्लस लेप, तो इसका क्या बन जाएगा, आदाय। आदाय का मतलब होता है लाकर। लाकर का क्या होता है, किम आदाय से समायता, यानी कि क्या तुम आकर के समायोजित हो रहे हो। आप उपसर्ग दा धातु लेप प्रत्यय, तो ठीक है ना, आदाय का मतलब होता है लाकर। किम तुम क्या लाकर समायत समायता, तो क्या लाकर समायत हो रहे हो। ठीक है, उसके बाद में बी प्लस स्मृत, उसके बाद में क्या है, लिप, तो इसका क्या हो गया, विस्मृत्य। विस्मृत्य मतलब होता है भूलकर। ठीक है दोस्तों, विस्मृत्य का मतलब होता है भूलकर। तो पाठम विस्मृत्य स किक तरव्य विमूण अभवत। ठीक है ना, इसके बाद में हमने क्या किया, कौन सा किया, वे उपसर्ग जी धातु और लेप प्रत्यय को हमने कर दिया, तो इसका क्या हो गया, विजित्य। विजित्य का मतलब होता है जीत कर, विस्मरण का मतलब क्या होता है, भूल कर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, विजित तो विजित प्रत्यय लगाएंगे तो जीत कर, शत्रु न विजित राजा प्रसन्न, यानी कि शत्रुओं को जीत करके राजा क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने इत्वा प्रत्यय में क्या किया है कि धातु और इत्वा का योग किया है। यहाँ पर इस लेप प्रत्यय में हमने क्या किया है, उपसर्ग प्लस धातु प्लस लेप का योग करके हमने इसको लेप मतलब लेप प्रत्यय किया है। ठीक है ना दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए इसमें है कि उत प्लस बी प्लस व्यय, तो उत उपसर्ग, ठीक है,
उत उपसर्ग डी धातु प्लस लेप प्रत्यय, उत उपसर्ग डी धातु प्लस लेप प्रत्यय। तो इसका क्या उड्डीय, उड्डी का मतलब होता है उड़कर। तो खगा उड्डीय प्रसन्ना भवन्ति, यानी कि जो पक्षी हैं वो उड़ करके क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो पक्षी जो हैं वो उड़ करके क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आ प्रत्यय, आ उपसर्ग, नी धातु और लेप प्रत्यय। ठीक है, तो इसको हमने क्या बना दिया, इन तीनों चीजों को जोड़ करके हमने क्या बना दिया, आनीय बना दिया। तो आनीय में क्या होगा दोस्तों, आनीय का मतलब होता है लाकर। तो शिष्य शुल्कम आनीय गुरवे दत्तवान, यानी कि शिष्य जो है वो फीस को ला करके आनीय, मतलब आनीय का मतलब होता है लाकर गुरुवे, गुरुओं को क्या देता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आनी को हमने यहाँ पर आनी प्रत्यय बीच में लगा दिया, शुल्कम शिष्य शुल्कम आनीय गुरुवे दत्तवान, यानी कि शिष्य जो है वो फीस को ला करके गुरुओं को देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए उप उप उपसर्ग क्रय धातु लेप प्रत्यय, यानी कि इसमें क्या है कि उपकृत्य, उपकृत्य का क्या बनता है, उपकृत्य मतलब होता है उपकार करके। ठीक है, उपकृत्य, उपकृत्य का मतलब होता है उपकार करके। तो सज्जनानः उपकृत्य विस्मरन्ति, यानी कि सज्जनों जो है वो है उपकार करके विस्मृत हो जाते हैं, यानी कि उनको भूल जाते हैं। सज्जन पुरुष जो होते हैं वो उपकार करके क्या करते हैं, विस्मरन्ति, भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए प्र उपसर्ग आप धातु लेप प्रत्यय, तो इसका क्या बन गया प्राप्य। ठीक है ना, इसका क्या बन गया दोस्तों, प्राप्त बन गया। प्राप्त का मतलब होता है प्राप्त करके, प्राप्त करके, प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, छात्र परीक्षा फलम प्राप्य प्रसन्न जाता, यानी कि छात्र परीक्षा के फल को प्राप्त करके क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है, या प्राप्त करके क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए प्र धा उपसर्ग दा धातु लेप प्रत्यय, तो इसका क्या बन गया प्रदाय, प्रदाय का मतलब होता है देकर, देकर प्रदान करना, या प्रदाय मतलब होता है देकर। ठीक है ना दोस्तों, प्राप्त का मतलब होता है प्राप्त करके। ठीक है, तो प्रदाय, प्रदाय मतलब होता है देकर। तो निर्धनेभ्य धनम प्रदाय धने कह गतम, यानी कि निर्धनों को, निर्धन के लिए धनवान जो है उसने क्या किया, धन को दिया। ठीक है, यानी कि निर्धनम, निर्धनभ्य धनम प्रदाय धनिक, निर्धन के लिए धन को दे करके धनिक चला गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए सम उपसर्ग स्पर्श धातु लेप प्रत्यय, तो इसका क्या बन गया समस्पर्श, समस्पर्श का मतलब होता है स्पर्श करके, स्पर्श करके। तो स्पर्श करने का क्या है, पितुः चरणम स्पर्श, यानी कि पिता के चरणों को स्पर्श, पितुः चरणम स्पर्श सह, यानी कि वह पिता के चरणों को स्पर्श करता है, या स्पर्श करके आशीर्वादम प्राप्तवान, और वह पिता के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, स्पर्श मतलब होता है स्पर्श करके। ठीक है, देखो उत्तर, उत का मतलब क्या होता है, उत प्लस त्र प्लस लेप, यानी कि उत उपसर्ग त्रिधातु लेप प्रत्यय, तो इसका क्या हुआ उत्तीर्य, उत्तीर्य, उत्तीर्य का मतलब होता है उत्तीर्ण करके, उत्तीर्ण करके दशम कक्षायाम उत्तीर्ण, उत्तीर्य सह उच्च विद्यालय प्रवेश मलवतः, यानी कि दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण करके वो उच्च विद्यालय में प्रवेश कर लेता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हमने यहां पर उत उपसर्ग
डी धातु ने प्रत्यय को किया तो हमने क्या बन गया उड्डी उड्डीय। उड्डी का मतलब क्या होता है उड़कर, ठीक है। इसके बाद में आ प्लस नी प्लस लिप, यानी कि आ धातु नी प्रत्यय प्लस लिप नी आ उपसर्ग नी धातु प्लस लिप प्रत्यय, तो इसका क्या बन गया आनीय बन गया। आनीय का मतलब होता है लाकर, ठीक है। उसके बाद में उप उपसर्ग, ठीक है, क्र धातु और लिप प्रत्यय, तो इसका क्या बन गया उपकृत। उपकृत का मतलब होता है उपकार करके, ठीक है दोस्तों। प्र उपसर्ग, उसके बाद आप धातु लिप प्रत्यय, तो इसका क्या है प्राप्त, तो इसका क्या हो गया प्राप्त करके, ठीक है ना दोस्तों। प्राप्त का अर्थ क्या हो गया प्राप्त करके। प्र प्लस दा प्लस लिप, तो इसका हो गया प्रदाय, यानी कि देना या देकर, ठीक है। संस्पर्श का मतलब होता है स्पर्श करके, ठीक है। सम धातु स्पर्श, सम उत्सर्ग स्पर्श धातु लिप प्रत्यय, तो इसका क्या बनेगा समस्पर्श, तो स्पर्श करके। उत उत्सर्ग त्रय धातु लिप, तो इसका क्या उत्तीर्य उत्तीर्य, उत्तीर्य का मतलब होता है उत्तीर्ण करके, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने कौन सा देख लिया लिप प्रत्यय को देख लिया। फिर उसके बाद में अगला कौन सा है हमारा, देखिए अगला है तुमुन, तुमुन तुम है ना, तो इसमें है निमित्तार्थक, निमित्तार्थक यानी कि के लिए, निमित्तार्थक के लिए, किसके लिए निमित्तार्थक के लिए, ठीक है ना दोस्तों। देखिए तुमुन प्रत्यय में क्या है निमित्तार्थक के लिए, ठीक है, अर्थात क्रिया को करने के लिए, अर्थात क्या है क्रिया को करने के लिए, यानी कि निमित्तार्थक के लिए और किस लिए क्रिया को करने के लिए, ठीक है। इस अर्थ में धातु के साथ तुमन प्रत्यय लगता है, यानी कि धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा तुमन प्रत्यय लगेगा, यानी कि निमित्तार्थ के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगेगा धातु के साथ तुमन प्रत्यय लगता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, जैसे जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है, ठीक है, क्या होता है जब दो क्रियापद होते हैं उनका कर्ता क्या होता है एक होता है, तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया की क्या होती है प्रयोजन या निमित्त होती है, यानी कि निमित्त, ये क्या कह रहा है के क्रिया करने के लिए इस धातु में तुमन प्रत्यय, यानी कि निमित्तार्थ के लिए, ठीक है, तो निमित्त के होती है, ठीक है, तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमन प्रत्यय होता है, ठीक है ना, यानी कि जो निमित्तार्थक क्रियापद है उसमें कौन सा प्रत्यय होगा हमारा तुमन प्रत्यय होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखिए, यानी कि हमने परिभाषा जान ली कि दो क्रियापदों का कर्ता क्या होता है एक होता है, ठीक है, और एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, इनके एक क्रिया दूसरी क्रिया के निमित्त होती है, और तो निमित्तार्थ क्रिया में कौन सा प्रत्यय होता है तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यथा, देखिए यथा सुरेशः पठितुं विद्यालयं गच्छति, ठीक है, तो वाक्य में पढ़ना क्या हो गया पढ़ना और जाना दो क्रिया होगी ना, यानी कि पठितुम पढ़ना और गच्छति यानी जाना, ठीक है, तो जिसमें पढ़ना क्रिया क्या है प्रयोजन है, और जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है अतः पठितुम में क्या है तुमन है, ठीक है ना, इसमें तो क्या हो गया मतलब वाक्य में जो है सुरेशः पठितुम विद्यालयं गच्छति, यानी पढ़ना क्या हो गया इसमें पढ़ना क्रिया हो गई, पठितुम का क्या हो गया क्रिया हो गई, ठीक है, और सुरेश विद्यालय जाता है, ठीक है, उसके लिए प्रयोजन होता है, पठितुम में कौन सा क्या हो गया यानी कि पठितुम में हो गया तुम्हारे तुमन प्रत्यय हो गया, ठीक है ना, क्रिया कर रहा है तो और जाना है, ठीक है, पढ़ना और जाना क्या है दो क्रिया पद है, ठीक है ना, इस पठितुम में क्या हो गया तुमन प्रत्यय हम कर देंगे, ठीक है। देखिए आगे देखे वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रिया पद है, ठीक है, ये दोनों क्या है क्रियापद है हमारे, ठीक, जिसमें पढ़ना क्रिया का क्या है प्रयोजन है, ठीक है,
और सुरेश जिसके लिए सुरेश क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है। ठीक है, मतलब सुरेश किस लिए जा रहा है विद्यालय, पढ़ने के लिए। ठीक है, अतः इसमें क्या हो गया, पठितु में क्या हो गया, तुमने प्रत्यय, पठितु में क्या हो गया, तुमने प्रत्यय है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब हमारी यहाँ पर हमने दो क्रियापद देख लिए, उसमें पठितु में क्या है, तुमने प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए, यानी कि समय बेला आदि कालवाची शब्दों के योग में भी धातुओं से तुमन प्रत्यय होता है। यानी कि समय काल बेला काल कालवाची शब्दों के योग में क्या होता है, धातुओं से तुमन प्रत्यय होता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी तीन चीज हो गई, समय बेला कालवाची शब्दों में शब्दों के योग में भी धातुओं से प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय, तुमन प्रत्यय। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, स्नान तुम वेला अस्ति। ठीक है ना, और दूसरा कौन सा है, पठी तुम समयो अस्ति। तो यहाँ क्या हो रहा है, मतलब बेला बेला अस्ति। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये बेला का जो है इसमें क्या हो रहा है, बेला का प्रयोग होता है, इनके बेला शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। इसमें भी बेला शब्द में भी हम क्या करते हैं, तुमुन प्रत्यय करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जैसे दूसरा देखिए, पठितुम समयो अस्ति। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि समय में भी हम क्या करते हैं, तुमन प्रत्यय होता है। ठीक है ना, अब आगे देखें, तुमन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं। ठीक, यानी कि तुमन प्रत्यांत शब्द भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। वहां पर हमने कौन सा, इत्वा प्रत्यांत शब्द भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। ठीक है, उसके बाद में लिप प्रत्यांत शब्द भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। और इसमें तुमन प्रत्यांत शब्द भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। और इनका भी रूप परिवर्तन नहीं होता, इनका भी रूप क्या होता है, इनका भी रूप नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसको उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है तुमन के गम धन तुमन। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, गम तुम। ठीक है ना, यानी कि हमने क्या कर दिया, यहां पर गम गन तुम का क्या अर्थ हुआ, जाने के लिए। ठीक है ना, जाने के लिए। तो इसमें क्या हो गया, गम धातु और तुमन प्रत्यय, तो इसका क्या होगा, गंतुम, तो जाने के लिए। सह सह ग्रह गंतुम उदता अस्ति। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं, हन धातु प्लस तुमन प्रत्यय, तो इसका क्या बन गया, हंतुम। तो हंतुम का अर्थ होता है मारने के लिए। रगम हंतु सिंह समुधतः अस्ति। ठीक है, इसके बाद में क्या, कौन सी है, पा धातु प्लस तुमन प्रत्यय, यानी कि इनका उपयोग इसका क्या बन गया, पातुम। तो पातुम का होता है पीने के लिए, जलम पातु सह नदी गतवन, यानी कि जल पीने के लिए वह नदी की ओर गया। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके आगे देखिए, इसना प्लस तुमन, तो स्नातुम, तो स्नान के, स्नातुम का मतलब क्या होता है, स्नान के लिए। स स्नान तुम तरण ताल मग छत, यानी कि तरण ताल मगच्छत। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, दा धातु और तुमुर प्रत्यय, तो इसका क्या हो गया, दातुम। दातुम का क्या होता है, देने के लिए। ठीक है ना, दातुम का क्या होता है, देने के लिए। तो उत्तम जना ज्ञानम दातुम, यानी कि उत्तम जन क्या करते हैं, ज्ञान को देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, उत्तम जन क्या करते हैं, ज्ञान को देते हैं। ठीक है ना, देखिए, तो इसमें क्या कर दिया हमने, यानी कि हमने इसमें
पूछने के लिए कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम, यानी कि वो कहा जा रहा है, वो उत्तम जनों से उत्तम जन ज्ञानम दातुम, यानी कि उत्तम जन ज्ञानम दातुम इच्छुका भवती, यानी उत्तम जनों से जो है ज्ञान जाने की क्या करते हैं, इच्छा को रखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रच्छतातु तुमन प्रत्यय, तो इसका क्या हो गया पृष्ठम, पृष्ठम क्या होता है पूछने के लिए, पूछने के लिए क्या होता है छात्र प्रश्न प्रष्टु समुस्त सुखः भवति, यानी कि छात्र प्रश्न पूछने के लिए क्या होते हैं उत्साहित होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि प्रश्न पूछने के लिए क्या करते हैं दोस्तों उत्साहित होते हैं। सत तो एक कौन सी प्रश्न और तुमन को मिला दी प्रश्नम धातु बन गई, इसमें क्या हो गया सत प्लस तुमन स प्लस तुमन स प्लस तुमन को क्या बन गया दृष्टुम, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया देखने के लिए, देखने के लिए तो चित्रम दृष्टुम बालक आगच्छत, यानी कि चित्र को देखने के लिए क्या होता है बालक आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सी धातु है हस्त धातु, हस्त धातु में क्या करेंगे अपन तुमर प्रत्यय को जोड़ देंगे और कर देंगे, तो इसका क्या बन गया हसितुम, हसितुम हंसने के लिए, अहम हसितुम इच्छामि, यानी कि मेरी क्या है हंसने की इच्छा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हम तुमन प्रत्यय के जो है वो धारण को देख रहे हैं, तो धातुओं में तुमन लगा देंगे, तो गम में तुमन लगा दे तो गंतुम यानी कि जाने के लिए, हन में तुमन लगा दे तो हंतुम यानी कि मारने के लिए, हत्वा का मतलब होता है मारना मारकर, पाकर लगा देंगे तुमन तो पातुम यानी पीने के लिए, और स्नान का तुमन लगा देंगे तो स्नान के लिए, और दा में तुमन लगा के देने के लिए, है ना। और प्रच धातु में तुमन प्रत्यय लगा दे प्रश्न पूछने के लिए, और स में तुमन लगा दे तो दृष्टुम यानी देखने के लिए, ठीक है। और हस में तुमन लगा दे तो हसितुम यानी हंसने के लिए। यहां पर क्या किया हमने तुमन प्रत्यय को देखा है, ठीक है। अब इसके आगे और भी अपन देखते हैं, देखिए यानी कि खाद धातु में क्या करेंगे दोस्तों हम तुमन प्रत्यय को करेंगे, ठीक है। खाद धातु में प्लस तुमन प्रत्यय करें तो खादितुम, खादितुम का अर्थ क्या होता है खाने के लिए, खादितुम का अर्थ क्या होता है दोस्तों खाने के लिए। बालक आम्रम खादितुम इच्छति, यानी कि बालक की क्या है आम खाने की इच्छा है, बालक की कैसी इच्छा है दोस्तों आम खाने की इच्छा है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कीड धातु प्लस तुमन प्रत्यय तो कीड़तुम, कीड़तुम ठीक है। तो कीड़ का मतलब होता है खेलना या खेलने के लिए, कीड़तुम का मतलब होगा खेलने के लिए। शिशु कंदुकेन कीड़तम इच्छति, यानी कि बच्चा जो है उसको बॉल से खेलने की इच्छा होती है, ठीक है। बच्चे को बॉल से खेलने की इच्छा होती है, ठीक है ना। तो कीड़ प्लस तुमन हमने लगा दिया तो इसका क्या बन गया कीड़तुम बन गया। अब देखिए भास प्लस तुमन, भास धातु तुम तो इसका क्या बनेगा भाषितुम, भाषितुम तो भाषण के लिए, भाषितुम का मतलब होता है भाषण के लिए। सह भाषितुम उपस्थित, यानी कि वह भाषण के लिए उठ जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए जीव प्लस तुम, जीव धातु प्लस तुमन प्रत्यय तो इसका हो गया जीवतुम, जीवतुम का क्या हुआ जीने के लिए। सर्वे जीवतुम अभिलषन्ति, यानी कि सभी क्या है जीवन के जीने के लिए क्या करते हैं अभिलाषा करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि सर्वे सभी जो है, सभी मनुष्य हो है जो जीवित या सभी जीव जंतु भी हो सकते हैं जो जीवतुम अभिलषन्ति, यानी कि जीवन की अभिलाषा करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कथ धातु तुमन प्रत्यय तो कथेतुम, कथेतुम का क्या हो गया कहने के लिए। तो कथा कथ्यतुम सह आगच्छतः, यानी कि कथा कहने के लिए वो क्या करता है आ जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब हमने इसमें क्या देखा खादितुम को देखा, खाद प्लस तुम खादितुम बन गया खोल, और उसके बाद में कीड़ प्लस तुम कीड़तुम बन गया, यानी कि खाने के लिए
कीर्तुमानी खेलने के लिए और बास प्लस तुम भाषण 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 के लिए और जीव प्लस तुम यानी जीव तुम्हें जीने के लिए और कथ प्लस तुम यानी कहने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे की ओर हम चलते हैं। देखिए इसमें है, इसमें क्या कह रहा है, सक सक यानी क्या होता है, सकना सकना। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोल रहा है, सकना इस यानी चाहना, सक यानी क्या होता है, सकना और इस यानी क्या होता है, चाहना। ठीक है ना, तो इत्यादि धातुओं के साथ भी पूर्व क्रिया में तुम्न प्रत्यय होता है। आगे का जो क्या कह रहा नियम के सक और देखिए दोस्तों सक ठीक है और इस इत्यादि धातुओं के पूर्व क्रिया में भी क्या होता है, तुम्न प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे मैं पढ़ सकती हूं, मैं पढ़ सकती हूं ठीक है ना, या सकता हूं या मैं पढ़ना चाहती हूं, यानी सकना या चाहना, सक या इसका भी किसमें होता है, तुम्न प्रत्यय का भी, सक या इस धातु में भी क्या होता है, तुम्न प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे इन वाक्यों में क्या है, पढ़ना और सकना, ठीक है, पढ़ना और चाहना, ठीक है, ये दो दो क्रियाएं हैं। ठीक है, इस इन वाक्यों में दो दो क्रियाएं हैं, अतः पढ़ना क्रिया में क्या है, तुम्न प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे अपन उदाहरण की ओर चलते हैं, अहम पठितुं शक्नोमि, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो गया, दूसरा देखिए, अहम पठितुं इच्छामि, ठीक है ना, सत आ गई, ठीक है ना, तो इसमें कौन सी आ गई, पठ पठ की धातु है, ठीक है ना, अहम यानी कि मैं पढ़ने की क्या कर रहा हूं, पढ़ने के लिए इच्छुक हूं, ठीक है ना, इसमें वह अहम पठितुं इच्छामि यानी कि मेरी क्या पढ़ने की इच्छा है, बालकः तुरत शक्नोमि, ठीक है ना, और उसके बाद में सा गान्तुं शक्नोमि, ठीक है, और त्वं किं कुरु, त्वं किं कुरु कुरुंत कुरुंतम, ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है तुम क्या कर रहे हो, ते चलितुं न शक्नुवन्ति शक्नुषोषि वयं धातु वि न शक्नुम, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि इसमें बोल रहा है कि हमारा जो है सक और इष्ट धातु है, सकना या चाहना जो धातु है, उनमें भी हम क्या करते हैं, तुम्न प्रत्यय करते हैं, जैसे अहम पठितुं शक्नोति, अहम पठितुं इच्छामि, बालक तुरत शक्नोति, सा गान्तुं शक्नोति, त्वं किं कर्तुं, ते चलन्तु न शक्नोति, और वयं धातुविं न शक्नुमः। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों के तुमन, तुमन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है, तुमन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले क्या बनाए सकते, संज्ञा पद भी क्या करेंगे, जैसे बनाए जा सकते हैं, यथा यथा उदाहरण के लिए गंतुकायः पठितुकामः बुद्धुकामः चलेतु कामः और लिखेतु कामः, यानी कि तुमन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा शब्द संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं, जैसे गंतु कामः पठितु कामः और बुद्धु कामः चलेतु कामः लिखतु कामः और हसितु कामः और वक्त वक्तु कामा इत्यादि इत्यादि क्या कर सकते हैं, हम इत्यादियों को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने इत्वा और ल्यप और तुमन को जाना, इसके बाद में हम चलते हैं सत्र और सानच की ओर। देखिए दोस्तों सत्र सानच करते हैं, ठीक है ना, देखिए इसमें क्या है कि एक कार्य को करते, एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ, एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ में अन्य कार्य भी किया जाता है या दूसरा काम भी किया जाता है, तो
किया तो करता हूं, करता हुआ करती हुई, चलता हुआ चलती हुई, पढ़ता हुआ पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातुओं में सर्त प्रत्यय तथा आत्मपदी धातुओं में क्या होता है, सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक ही कार्य को करते हुए जब साथ साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब उसकी जो है परस्मैपदी धातुओं में भी, परस्मैपदी धातुओं में कौन सा होता है, सर्त प्रत्यय होता है, और आत्मपदी धातुओं में क्या होता है, सानस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला देखते हैं, सर्त के स और रे का लोप होकर धातुओं में अतः जुड़ जाता है। ठीक है, तथा सानच के स और च का लोप होकर के धातुओं में होकर के आन के पहले म का आगम हो जाता है। इस प्रकार धातु के साथ क्या होता है, मान जुड़ जाता है। ठीक है, सानच में क्या होता है, मान जुड़ जाता है, और इसमें क्या होता है, अत जुड़ जाता है। सत में क्या होता है, अत जुड़ जाता है, और सान में क्या होता है, मान जुड़ जाता है। जैसे एक और अपन देखते हैं, सत्र सानच प्रत्ययों से बने हुए शब्द क्या होते हैं, विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि सत्र और सानच प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द हैं वो विशेषण के रूप में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। अतः ये तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है ना, ये कौन सी लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों, इसके जो रूप हैं वो क्या में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। मतलब हमारे जो सत्र और सानच जो प्रत्यय है उसमें कह रहे हैं एक साथ कार्य करते हुए भी अगर कोई अन्य कार्य भी किया जा रहा हो तो उसमें इसके जो अर्थ को बताने के लिए परस्मै पदी धातुओं में क्या होता है, सत्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तथा आत्मन पदी धातुओं में सानक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सर्त के स, स और र का लोप होकर के अत जुड़ जाता है। ठीक है ना, सर्त में और सानच में स और च का लोप होकर के क्या जुड़ जाता है, आम के पहले म आगम हो जाता है, तो इसे क्या कर देते हैं, मान धातु कर देते हैं। ठीक है ना, मान जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा कि सर्त सानच प्रत्ययों से बने हुए विशेषण रूप में क्या प्रयुक्त होते हैं, यानी कि सर्त और सानच प्रत्ययों से बने हुए शब्द जो होते हैं वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः इन रूप, इनके रूप क्या है, तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है ना, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों रूपों में इनके क्या चलते हैं, इनके रूप चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिए उदाहरण देखिए, जैसे कि पठ, पठ पठ सर्त अत। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, देखिए तीनों लिंग कैसे हैं, पठन पठंती पठतः। ठीक है ना, तो पठ प्लस सर्त प्लस अत, तो इसका क्या हो गया, पठन पठंती पठतः। ठीक है ना, दूसरा देखिए लिख, लिख प्लस सर्त, तो लिखन लिखंती लिखतः। ठीक है, पुलिंग स्त्रीलिंग में लिखंती और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, लिखता। पठ प्लस सर्त में क्या बनेगा, सर्त में क्या बन रहा है, अत बन रहा है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो गया, पठन पुलिंग में, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में क्या बन गया, पठता बन गया। ठीक है, और उसके बाद में लिख, लिख प्लस सर्त, तो लिख पुलिंग में क्या हो गया, लिखना लिखंती और लिखता। उसके बाद में से हस, हस में क्या है, हस और सर, हस धातु में सर्त प्रत्यय, हसन हसंती, पुलिंग में हसन, स्त्रीलिंग में हसंती, और नपुंसकलिंग में क्या होता है, हसत होता है। ठीक है, सेव प्लस सानच। ठीक है, अब किसके देख रहे हैं अपन, पहले कौन से सर्त प्रत्यय के उदाहरण देखे, अब सानच प्रत्यय के उदाहरण देख लिए। ठीक है, तो सेवमान, सेवमान सानच में क्या कर रहे हैं, हम बाद में क्या कर रहे हैं, मां लगा रहे। ठीक है, स और उसके स्थान पर मां को कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो सेवमान, सेवमान और सेवमान, पुलिंग में क्या हो गया, सेवमान सेवमान और सेवमान, मुद में क्या हो गया, मुद प्लस सानच, तो मोदमान मोदमाना और मोदमान, कृत व्रत प्लस सानच,
तो वर्तमान वर्तमान और वर्तमान, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हमने ये जो है उसके क्या क्या शर्त में तीनों लिंगों में देखा इनको, पठन पठंती पठता, लिखन लिख प्लस अर्थ लिखन लिखंती लिखता, और हस प्लस अर्थ हसन हसंती हसता, ठीक है। और इसमें देखा सेवमान 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 और सेवमान, मोदमान मोदमान और मोदमान, वर्तमान वर्तमान और वर्तमान। यानी कि हमने इनको तीनों लिंगों में शर्त और सानच जो प्रत्यय हैं उनको हमने तीनों लिंगों में देख लिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, वाक्य में प्रयोग करते हुए शर्त सानच प्रत्यांत प्रत्यांत शब्दों में ही लिंग विभक्ति तथा वचन का प्रयोग होता है। यानी कि वाक्य ये क्या कह रहा है, वाक्य में प्रयोग करते हुए शर्त और सानच प्रत्यांत शब्दों में क्या होता है, शब्दों में वही लिंग विभक्ति और वचन का भी प्रयोग होता है। यानी कि प्रत्यांत शब्दों में क्या होता है, लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है जो विशेष्य होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए यथा पिता गच्छन्तः पुत्रः भोजनाय कथयति, यानी कि इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को, जाते हुए पुत्र को है, ठीक है ना। यानी कि इस वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है, इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को है, ठीक है ना दोस्तों। यानी और इसके बाद में अतः पुत्रम की विशेषण रूप में गच्छन शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। गच्छन्त में क्या है, द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। और उसके बाद में ये गच्छन्तम शब्द जो बन गया है, ठीक है, प्रयोग होकर के जो शब्द हुआ है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर के गच्छतम पद बना है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी समझे जा सकते हैं, तो हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, विद्यालयम गंततीनी बालकवि मार्गे कपोता दृष्टा, यानी कि जब विद्यालय के लिए मार्ग में क्या क्या होते हैं, बालकों को कपोत उनको विद्यालय जाते समय जो बालक हैं वो मार्ग में कपोत यानी कबूतरों को देखते हैं, ठीक है। माता सेव मानाय पुत्रा भी आशीर्वाद दाती, माता अपने उससे क्या है पुत्र को आशीर्वाद देती है। मोद मानस्य जनस्य प्रसन्नताया के कारणम अस्ति, यानी कि मोद मानस की जन की प्रसन्नता का क्या कारण है, ठीक है ना दोस्तों। स उच्च पश्यन पतितः, ठीक है ना, चलंती बालिका मार्गम प्रसिद्धि, और चलती बालिका मार्ग को देखती है, ठीक है। साकम पश्यंती गच्छति, और साकम पश्यंती यानी वो जाता हुआ क्या करता है, वो जाते हुए उसको देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसका क्या है कि गम प्लस सर्प, तो गच्छन यानी जाता हुआ, ठीक है। अब इसके हम तीनों लिंगों में देखेंगे, तो गच्छन गच्छंती गच्छ, दृष्ट का क्या हो गया, दृष्ट प्लस से तो पश्यत, पश्यत यानी क्या होता है देखना, ठीक है। दृश्य यानी क्या होता है देखना, और दृष्ट प्लस से पश्यत यानी देखना, ठीक है। तो पश्यन पश्यंती पश्यतः, ठीक है, यानी कि इसके तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में, ठीक है ना, चल रही है, ठीक है। इसके बाद में दा प्लस तो देता हुआ, यच्छन यच्छन्ति यच्छतः, यानी कि देता हुआ। पा प्लस यानी पवितः, तो पीता हुआ। पिवन पिवन्ति पिबतः, ठीक है। इसके बाद में भू प्लस यानी कि भवतः, भवतः का मतलब होता है होता हुआ, तो भवन भवन्ति भवतः। उसके बाद पच प्लस तो पचतः, पचतः और तो पकाता हुआ, पचन पचंती पचतः, तीनों मतलब रूपों में हम देख रहे हैं। प्रच प्लस तो पच्छता यानी कि पूछता हुआ, तो इसमें क्या है प्रच्छन प्रचंती प्रच्छता, यानी कि हमारे को इसमें तीनों जो लिंग है उनमें और तीनों जो है विभक्ति है वो वचन है उनमें हम देख रहे हैं, ठीक है।
गम को हमने लिख लिया गच्छन गच्छन गच्छन्ति गच्छतः और पश्य को हमने लिख लिया पश्यन पश्यन्ति पश्यतः और धनत यानी देता हुआ यच्छता यच्छति यच्छतः पा यानी पिबा पीता हुआ तो पिबना पिबना पिबन्ति पिबतः। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भू प्लस रहता तो भवता होता भवना भवन्ति भवतः और प्र प्लस रहता पकाया हुआ पचन पचन्ति पचतः और इसके बाद में क्या है प्रच्छ प्रसृत प्रत्यय तो पूछता हुआ पूछ प्रचन प्रचन्ति प्रचतः। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए इसका एक और भी उदाहरण देख लो, नी प्रसृत यानी कि नी नयत नयत यानी क्या होता है दोस्तों ले जाता हुआ, नयत का मतलब क्या होता है ले जाता हुआ। ठीक है ना, तो नयन पुलिंग नयंती स्त्रीलिंग नयत नपुंसक। ठीक है, नृत्य का क्या होता है नृत्यस्रत तो नृत्यत नृत्यत यानी क्या होता है नाचता हुआ तो नृत्य नृत्यंती नृत्यतः। चोर प्लस रतः तो चोरियत यानी क्या होता है चोराता हुआ तो चोरियन चोरियंती चोरियतः। और गण प्लस रतः गणयत यानी गिनता हुआ गणयन गणयंती गणयतः। और मिल प्लस रतः मिलता मिलता हुआ तो मिलन मिलंती मिलतः। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद देखिए तेज प्लस रतः तो तेजतः त्यजन करता हुआ यजन करता हुआ तो यजन यजंती यजतः। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए पाल प्लस रता तो पालयता पालन करता हुआ पालयता मतलब क्या होता है पालन करता हुआ तो पालयन पालयंती पालयतः। ठीक है, और गृहम प्लस रता प्लस गृहत तो ग्रहण करता हुआ तो ग्रहण ग्रहंती ग्रहतः। ठीक है, यहाँ पर नी का मतलब नी धातु और स्र प्रत्यय को नयत बना दिया तो ले जाता हुआ है ना, और उसके बाद में नृ तो प्लस प्रत्यय तो नृत्य बना दिया तो नाचता हुआ चोर प्लस प्रत्यय चोरियता तो चुराता हुआ और जो गण प्लस रहता गणयता तो गिनता हुआ और मिल प्लस रहता मिल मिलता तो मिलता हुआ और तेज धातु और सृत प्रत्यय को मिला दिया तो यजन करता हुआ। ठीक है ना, इसमें तीनों लिंगों क्या है यजन यजंती यजतः। ठीक है, पाल प्लस पालयन पालयंती पालयतः। ग्रह प्लस ग्रहत तो ग्रहण करता हुआ तो इसमें हो गया ग्रहण ग्रहंती ग्रहतः। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद देखिए आगे की ओर चलते हैं। जैसे आसानच आनमा, ठीक है ना, सानच आन मान तो इसमें क्या कह रहा है उदाहरण देखते हैं। यज प्लस सानच यजमान यजन करता हुआ। ठीक है, यजमान यजन यज प्लस सानच का क्या है यजमान यजन करता हुआ। ठीक है ना दोस्तों, यजमान यजन करता हुआ यजमान यजन करता हुआ। इसके बाद में लव धातु सानच तो इसका क्या बन गया अपने लवमान है तो प्राप्त करता लाभ का क्या होता है प्राप्त करना तो यजमान है यजमान यजमान उसमें लाभमान है लाभमाना लाभमान। ठीक है, तीनों लिंगों में इसके भी शर्त के भी तीनों लिंगों में देखे हमने और इसके भी मतलब सानच के भी तीनों लिंगों में ही देखेंगे। ठीक है ना, वहां क्या हो रहा था शर्त हो रहा था तो यहाँ पर क्या हो रहा है सह धातु सानच प्रत्यय तो सहमाना। ठीक है, तो इसका क्या हो गया सहन करता हुआ तो सहमाना सहमाना और सहमाना यानी कि पुलिंग आए तो सहमाना स्त्रीलिंग आए तो सहमाना और नपुंसकलिंग आए तो सहमाना। ठीक है, जन प्लस सानच तो जयमाना यानी पैदा करता हुआ जयमाना जयमाना जयमाना। ठीक है, उसके बाद वो सी प्लस सानच सी प्लस स्थान इसका क्या हो गया शयन करना शयान शयान यानी सोता हुआ शयान यानी क्या होता है दोस्तों सोता हुआ तो शयान शयाना और शयानम पुलिंग में क्या आएगा शयान और स्त्रीलिंग में क्या आएगा शयाना और इसमें क्या आएगा नपुंसकलिंग में शयानम। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों वृद्ध प्लस स्थानच तो इसका क्या हो गया वर्धमान
वर्धमान, यानी वर्धमान का होता है तो बढ़ता हुआ, वर्धमान बड़े वर्धमान वर्धमान। ठीक है, यहाँ पर हमने दोस्तों आज की जो हमारी जो ये है इसमें हमने सानस को देखा, तो सानस में क्या कर दिया, आर कर दिया, तो यजमान ठीक है, मान करेंगे लघुमान ठीक है, सहमान और जन प्लस जयमान और सी प्लस शायमान और वृद्ध प्लस वर्धमान यानी कि बढ़ता हुआ। ठीक है ना दोस्तों, सहमान यानी सहन करता हुआ, सोता हुआ। ठीक है ना, आज की जो हमने कक्षा थी प्रत्यय की उसमें कृत प्रत्यय में इत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तुमुर प्रत्यय और सत् प्रत्यय और सानज प्रत्यय को हमने देखा। कल की कक्षा में हम आगे की जो प्रत्यय की प्रक्रिया है उसको देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।